आर डिसअपॉइंटेड विथ G310R BMW, क्या बना दिया ये, क्या सोच के बनाया। माना कि इसमें आप बात करें TVS RR वाला इंजन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यार इससे तो कई गुना अच्छी है RR310 अपनी। यहाँ से ब्रांड का पैसा है, ओनली ब्रांड इमेज, ओनली ब्रांड इमेज की BMW है, उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा मेरे को इस बाइक में। कुछ भी बोल सकते हैं भाई, वेस्टेज ऑफ मनी, इस बाइक को बोल सकते हैं प्योर वेस्टेज ऑफ मनी, प्योर वेस्टेज ऑफ मनी। फन नहीं आ रहा यार। तो हेलो यूट्यूब, BMW 310R, G310R एक्चुअली दिस इज, टर्न ऑन द की, छोटी सी डिस्प्ले, डिजिटल, बहुत प्लेन डिस्प्ले है, किल स्विच, सेल्फ। एक बार साउंड सुन लेते हैं भाई साहब, वाइब्रेशन यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है वाइब्रेशन। चले फर्स्ट राइड रिव्यू, पहली बार मैं जिंदगी में पहली बार चला रहा हूँ BMW 3G310। लो जी बंद हो गई। ओ भाई साहब क्या हो रखा है ये। सो राइट नाउ आई एम हियर ऑन NH8। सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन योर लाइफ। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज राइडर सोल। इस बाइक का रिव्यू करते हैं, दिस इज BMW G310R सेकेंड गियर। भाई 50 पे क्या वाइब्रेशन दे रही है, अरे होए भाई, अब वाइब्रेशन इस गाड़ी में तो, अरे वाइब्रेशन के अलावा कुछ और है BMW उसमें। ओ भाई, अबे मेरे को तो पता ही नहीं था कि इस बाइक का नाम इतना है और ये बाइक ऐसी निकलेगी, लाइक ओ मैन। भगा के देख लेते हैं एक बार, वाइब्रेशन को साइड रख के भगा के देखते हैं, हैंडलिंग वगैरह देख लेते हैं इसकी। टेस्ट तो मिला है खाली 115 यार, फन ही नहीं आ रहा। मतलब भाई इससे अच्छा पुश तो मेरी RTR दे देती है भाई। एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो मेरे वाइब्रेशन देखो एक बारी, अरे बाबा। मतलब ये बाइक 3.5 लाख की लॉन्च हुई थी आई थिंक, तो भैया कैसे 3.5 लाख का, सिर्फ ये BMW का लोगो। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं कोई बाइक चला रहा हूँ और इतना गंदा सा रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइक वाइब्रेशन भर भर के हैं, हैंडल बार तक वाइब्रेशन आ रही है, प्लस लीवर तक हिल रहा है, मिरर हिल रहे हैं, टैंक में, मतलब हाथ मेरा पूरा ना, ये देखो पूरा कंप्लीट हाथ हिल रहा है, सही दिखाता हूँ, ये देखो कंप्लीट हाथ हिल रहा है भाई टैंक पे भी। इससे अच्छा पुश तो अपनी RTR दे रही है आगे, एक बार ही देखते हैं गेयर डाउन करके इंजन ब्रेकिंग कैसी आती है। अभी तो अच्छा मारा है, इज इट अ जर्क, अरे भाई यार समझ नहीं आ रहा इसका RPM लिमिट कितनी लो है। वो पीछे ना पूरी बाइक ब्लर दिख रही है अपनी कंप्लीट, फोर्थ गियर लग नहीं रहा, फोर्थ गियर चल रहा है, फोर्थ गियर 85 कहाँ चलता है यार। मेरी बाइक फोर्थ गियर में, लाइक अगर ऐसी वाइब्रेशन की बात करूँ तो मेरी RTR 200 फोर्थ गियर में ऐसी वाइब्रेशन देती है अप्रॉक्स 123 के आसपास, और ये 300cc बाइक है। भाई साहब डिसअपॉइंटेड विथ G310R BMW, क्या बना दिया ये, क्या सोच के बनाया। माना कि इसमें आप बात करें TVS RR वाला इंजन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यार इससे तो कई गुना अच्छी है RR310 अपनी। यहाँ से ब्रांड का पैसा है, ओनली ब्रांड इमेज, ओनली ब्रांड इमेज की BMW है, उसके अलावा कुछ नहीं लग रहा मेरे को इस बाइक में। कुछ भी बोल सकते हैं भाई, वेस्टेज ऑफ मनी, इस बाइक को बोल सकते हैं प्योर वेस्टेज ऑफ मनी, प्योर वेस्टेज ऑफ मनी। फन नहीं आ रहा यार। लाइक हाँ, एक जो चीज़ अच्छी है वो है देखो, सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, सीट लाइक सीट जो है इसकी ना, सीट लाइक यू है, यू तो पूरा बैंड है यू करके, और फिर पीछे सीट है, आगे पीछे रियर सीट यू है, और ये क्या, अच्छा तो मुझे लगा कि डाइवर्जन है, तो सीट इसकी कुछ यू है, बकेट बनी हुई है, बकेट में बंदा आराम से फिट है, सीट हाइट बड़ी सही आ रही है, मतलब यू शूज टच हो रहे हैं मेरे, और आई एम जस्ट 5'6" फिर भी देख लो यार, इतना वो डिसअपॉइंट कैसे कर सकती है भाई यार। Oh.
अरे व्हाट द हेल एंड व्हाट द फक बाय BMW और G310 यार, मुझे नहीं पता GS क्या चीज़ है, बट कैसे साउंड में वाइब्रेशन सुन रहे हो अगर आप लोगों को, और साउंड वाइब्रेशन वाली नॉइज आ रही होगी पता लग जाएगा अगर। चलो यार बहुत हो गई बुराइयाँ, स्टार्ट ही बुराइयों से हुई है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें बात कर लेते बाइक वाइक में। इंडिकेटर्स के LED मेरे को अच्छे लगे, एक तो कटिंग देख लेते हैं उसकी कैसी है, अलग काइंड ऑफ हैंडलिंग ठीक है, टायर ग्रिप अच्छी है बाइक की, स्टॉक टायर है इसमें तो टायर ग्रिप तो अच्छी है जो भी लगे हुए हैं इसके अंदर। देखते हैं 5 बजे टॉप कहाँ पे जाके सकता है, जस्ट स्मूथ हुई है, कोई पिकअप नहीं आया। 126 भाई, 126 के ऊपर नहीं चढ़ रही है, 300cc इंजन 126 के ऊपर नहीं चढ़ रहा। अरे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मेरे को अभी लाइक मैंने क्लच दबाई, पूरी बाइक स्मूथ भाई सब जीरो हो गई। ये देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल, काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लच प्रेस बिल्कुल स्मूथ आपके 4th गियर पे। यार बहुत वाइब्रेशन है यार, और अगर इसको हम ओवर क्या कहते हैं आपका ओवर गियर, और अगर इसको हम ओवर गियर खींच रहे हैं तो थोड़ी सी हीटिंग करने लग गई है, पैर पे हीटिंग लग रही है मेरे को। नेकेड बाइक इतनी तो कोई हीट करती नहीं है यार, लाइक गियर तो हीट है क्या यार, क्या बोले इसको, डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। आई डोंट नो कि भाई कौन कौन इसका व्यूअर देख रहा है, कौन कौन क्या क्या है, बट देख रहे हो बाइक खींची नहीं रही है, एक 5 वगैरह ने टोटल अटकाया हुआ है पूरा का पूरा, फ्लेवर 117-118 के ऊपर नहीं जा रही है, 6 वगैरह पे 126 जाके अटक गई है। भाई पूरे हाईवे पे चलाई है, अच्छा खासा रोड है, सस्पेंशन बाइक के अच्छे हैं, फ्रंट की बात करें तो USD है, रियर की बात करें तो मोनोशॉक है, सस्पेंशन इसके दोनों अच्छे हैं, बहुत ही प्यार परफॉर्म कर रहे हैं, हैंडलिंग अच्छी है, टायर ग्रिपिंग अच्छी है, ब्रेकिंग पे गाड़ी की वो भरोसा नहीं हो रहा मेरे को ना भाई ना, मतलब रियर टायर अगर मैंने एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, अगर मैंने रियर टायर ब्रेकिंग लगाई है ना टाइट लगाता हूँ तो जैसे बोलते ना केयर भाई टायर की ब्रेक लगेगी फिर टायर अनलॉक होगा फिर ब्रेक लगेगी, बट इसमें डायरेक्ट ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सपोर्टिंग बाइक है, ख्याल रखो अपना और अपनों का, जैसी भैया मेरे को लगी वैसी मैंने बता दी, ना पसंद आई ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है मेरे को ये बाइक, बाइक 300cc में लेनी है और इस रेंज में लेनी है 3-4 लाख के बजट में, चले जाओ आप आठ भी तो यही आज ही नींद नहीं आ रही है क्योंकि हम लोग ठंडे राइड से अभी रिटर्न आ रहे हैं और नींद आ रही है तगड़े वाली। बाय गाइस, लव यू ऑल।